राजा, तुम्हारे गुनहगार ये नहीं ये है, और अब ये तुम्हें सारी असलियत बताएगी, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं सबको बताएगी। बोलो राजा, तुम्हारे गुनहगार मैं ही हूँ। मुझे बस मेरा अरमान चाहिए था, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए था, और तुम दोनों उस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे, बस जो मुझे हटाना था। क्या करती मैं? और फिर एक दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये बच्चा तुम्हारा ही है राजा। बस मैं ये चाहती थी कि अरमान इस बच्चे को अपना नाम दे, वो इसका बाप कहलाए, बस इसीलिए मैंने अरमान को चुन्नी उड़ाने पे मजबूर किया। अरमान ने लिया बड़ा फैसला, आसमा के साथ बसाएगा अपनी नई जिंदगी। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अरमान को पता लग जाता है कि उसके घर वाले आसमा को पड़ोसी मुल्क भेज रहे थे। जी हाँ, सुखी और सुखी की वाइफ ने यह प्लान बनाया था कि मैं जो है मुर्तजिम के साथ ही भेज दूंगा यहाँ पर आसमा को। मैं बस तुम दोनों को मार के अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी, तुम दोनों को हटाना चाहती थी, ताकि ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं, अपनी लाइफ सेट कर सकूं। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे मार के ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नहीं, इसके कर्मों की सजा इतनी आसान नहीं हो सकती। गुनहगार तो शायद मैं भी हूँ आसमा। जब तुम कह रही थी कि राजा जिंदा है जिंदा है, फिर मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी? ताकि वो पड़ोसी मुल्क चली जाए मुर्तजिम और जैद के साथ, और यहाँ पर आसमा जो हो वो अरमान के इर्द गिर्द ना हो, और ऐसे में अरमान आलिया के साथ वक्त बिता पाए, आलिया को ही अपना वक्त दे पाए। अब जब अरमान को ये सब पता लगता है तो उसे बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। इस बात पर अरमान लेता है एक बड़ा फैसला। अरमान फैसला ये लेता है कि वो आसमा के साथ इस घर को छोड़कर चला जाएगा, और आसमा के साथ जैद भी ये घर छोड़कर जाएगा, क्योंकि अब जैद आसमा की जिम्मेदारी है। तो अरमान, आसमा और जैद घर छोड़कर जाने की बात करते हैं। आसमा सोचती है कि अरमान जो है अगर चला गया तो ये घर तो बिखर जाएगा। अब ऐसे में आसमा कहती है, ये लो इस अग्नि की कसम खाओ और ये बोलो कि तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो, और अगर जाओगे तो घर वालों का किसी का भी जिक्र नहीं करोगे। अब अरमान के लिए मुश्किल है क्योंकि अरमान जो है घर वालों से बहुत प्यार करता है। अब ऐसे में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसमा की गोली भी लग जाती है अरमान के द्वारा गलती से, और यहाँ पर आसमा का ट्रीटमेंट भी शुरू किया जाता है। पर फिलहाल के लिए तो गाइज इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।